काम वाली बाई को मेरा काम छोड़े हुए अभी मात्र हफ्ता भर हुआ था, पर इन 7 दिनों में मेरे घर की ज्योग्राफी बदलने लगी थी। बाई खोजो अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा था। अपने स्टाफ की सभी सहयोगी टीचर्स, पति के दोस्तों, परिचितों, पड़ोसियों, सभी से मैं एक अच्छी बाई दिलवाने की गुहार लगा चुकी थी, पर मेरे इस बुरे वक्त में ना मेरे पड़ोसी काम आए ना शुभचिंतक। आखिरकार एक खुशनुमा सुबह मेरे स्कूल की चपरासिन ने मुझे आकर खुशखबरी दी कि बाई मिल गई। अरे वाह, गोदावरी कब लेके आएगी बाई को? मैडम जी, साथ ही लेकर आई हूँ। ए सिमली, इधर आ। उसने जब अपने पीछे खड़ी 12-13 साल की लड़की को मेरे सामने किया तो मेरी खुशी कापुर से उड़ गई। ये क्या काम कर पाएगी? काम करवा कर देख लो मैडम जी, नहीं समझ में आवे तो मत रखना, कल अपनी माँ के साथ आ जाना रही छोरी। दूसरे दिन सिमली अपनी माँ के साथ आ गई। उसकी तनख्वाह आदि की बात करके उसे छोड़कर चली गई 10 उपदेशों के साथ। ठीक से काम करे जे छोरी, मैडम साहब जी डांट के राख जो। पहले भी कई घरों में काम किया, पर इसका जी काम में कम और खेलवा में ज़्यादा रहा छे। जिसके लिए सब कहा जा रहा था वह निर्विकार भाव से खड़ी सब सुन रही थी। शायद माँ द्वारा विभूषित गालियों की वह अभ्यस्त थी। उसे अंदर लेकर आई तो मेरी बेटियां तनु मनु विस्मित होकर देखने लगी। यह कौन है मम्मी? हमारी नई बाई। इतनी सी भी बाई होती है क्या मम्मा? मुझे हंसी आ गई। इतनी सी का क्या मतलब, कई बच्चे छोटी सी उम्र में ही काम पर लग जाते हैं, तो मम्मा फिर यह पढ़ती कब है? मेरी माँ ने पढ़ाई छुड़ा दी मेरी, नन्ही बाई का उदास स्वर आया। मनु अपनी इस समवयस्का के बारे में जानना चाहती थी। ए, तुम्हारा नाम क्या है? सिमली। पर मैडम जी आप मुझे सीमा ही बुलाना, सिमली मुझे अच्छा नहीं लगता, उसने थोड़ा सकुचाते हुए कहा। उसकी बाल सुलभ इच्छा पर मैंने मुस्कुराकर सहमति जताई। ठीक है, तुझे मैं सीमा ही कहकर बुलाऊंगी। सीमा ने धीरे धीरे झाड़ू पोछा बर्तन सब काम अच्छी तरह संभाल लिया। बस एक ही शिकायत मुझे उससे रहती थी, इतना साफ सुथरा काम करने वाली खुद साफ नहीं रहती थी। एक दिन मैंने उसे प्यार से समझाया, देख सीमा, तू इतने साफ बर्तन मांजती है तो ऐसे ही अपने शरीर को भी साफ सुथरा रखा कर। कल से कपड़े भी अच्छी तरह साफ करके आना और खुद भी नहा कर आया कर। नहा कर आई हूँ मैडम जी, पर बेटे तू तो नहाई हुई नहीं लग रही, देख कल साबुन से अच्छी तरह नहा कर आना। सावड़ से तो बस मेरा भाई राम सिंह नहाता है, हम तीनों भाड़ा को सावड़ नहीं देती मेरी माँ। मैडम जी हम तो छोरियाँ हैं, हम तीनों भाड़ा को तो वो परणा देगी। श्रम सिंह तो छोरा है, वही कमा कर खिलाएगा। मेरी माँ कहती है छोरा सू बांसरी बेल चाले है, छोरिया तो पिछला जड़मरा पाप होवे। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मेरी छोटी बेटी मनु की आंखों में पीड़ा थी, विस्मय था और होठों पर प्रश्न। छी छी मम्मा कितनी पार्शियलिटी है, क्या लड़की होना इतना बुरा है? नहीं बेटे, बेटी तो ईश्वर से मांगी हुई दुआ होती है, ये लोग अनएजुकेटेड और गरीब होते हैं ना, ऊपर से बच्चे ज़्यादा, तो गरीबी से तंग आकर इसकी माँ ने ऐसे ही कह दिया होगा। सिमली विद्रोहिणी सी हुंकार उठी, नहीं ऐसे ही नहीं मैडम, वो तो हर बात में हम बैड़ों को ही कोसती रहती है। इतनी बुरी हालत भी नहीं है घर की, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है, हम 3 बहनें हैं और तीनों अपने खाने का खर्च निकाल लेती हैं। राम सिंह हम तीनों से बड़ा है, बस वही काम पर नहीं जाता, माँ उसे ही स्कूल भेजती है, अच्छा कपड़ा पहराती है, हम भाड़ों को तो वो चीथड़े पहराती है, अच्छा खाना मांगती है तो गालियाँ काटती है। दिन गुजरते गए और सीमा घर में अच्छी तरह घुल मिल गई। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी, बच्चे किसी बर्थडे पार्टी में गए थे और पति अपने मित्र के यहाँ, सोचा थोड़ा सफाई कर डालूं। सिमली को आवाज़ लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो वो मनु की किताबों में खोई हुई थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, वह झेंप गई। मनु दीदी की किताब देख रही हूँ, पढ़ना आता है? हाँ मैडम जी, 6ठी पास की है, पूरी कक्षा में प्रथम आई थी पर माँ ने पढ़ाई छुड़ा दी। उस दिन मैं बहुत रोई, रोटी भी नहीं खाई। तू पढ़ना चाहती है? हाँ बहुत मन करता है पढ़ने का, पर कौन पढ़ाएगा मुझे? उसका स्वर उदास हो गया। मैं पढ़ाऊँगी। सच्ची? आप पढ़ाओगे? अगर तू मन से पढ़ेगी तो ज़रूर पढ़ाऊँगी। मैंने सीमा को कहा, तुझे मैं स्कूल में डाल दूंगी, तेरी माँ से मैं बात कर लूँगी। नहीं नहीं मैडम जी ऐसा मत करना, मेरी माँ आपके यहाँ से मेरा काम छुड़ा देगी क्योंकि उसे मेरी पगार मिलनी बंद हो जाएगी। आखिरकार तय हुआ कि दोपहर को सीमा जल्दी से और घरों का काम खत्म करके मेरे पास आएगी और मैं रोज़ उसे 1-2 घंटा पढ़ा दूंगी, फिर प्राइवेट इम्तिहान दे देगी। लड़की दिमाग की तेज़ थी, 3 साल तक वह दिल लगाकर पढ़ी। उसके इम्तिहान के महीने में मैंने काम ज़्यादा है का बहाना करके घर पर रोक लिया। इस महीने की तनख्वाह डबल दूंगी कहने से उसकी लालची माँ तैयार हो जाती। उसका रिजल्ट अच्छा रहा, मार्कशीट सब उसने मेरे पास ही सहेज कर रख दी।
बस इस साल मेहनत करके तो 10वीं पास हो जाएगी, और यही सोचकर उसका 10वीं में एडमिशन कराया। पर एक हफ्ते बाद ही उसका आना बंद हो गया। उसकी छोटी बहन कमली मेरे बर्तन कर जाती। कमली से कई बार उसे बुलवाया तो एक दिन उसकी माँ उसे लेकर आई। अब से यह काम ना करेगी, इसका ब्याह हो रहा है, मेरे जैसे आसमान से धरती पर आ गिरी। अभी से बहुत छोटी है ये, अभी छोटी काहे की मैडम जी, देह की उठान देखो, 15वें में लग पड़ी है। इस उम्र में तो मैं एक बच्चे की माँ बन गई थी। उसकी माँ दुकान पर कुछ लेने गई तो मैंने उसे समझाया, तू बहुत छोटी है सीमा, ब्याह की उम्र नहीं है तेरी, क्या 10वीं का इम्तिहान नहीं देना है तुझे? अब ना पढ़ूँ मैडम जी, एक बात बोलूँ, मेरी सास बहुत सुंदर जरी गोटे का लहंगा ओढ़ना लाई है, राखड़ी और बाजूबंद भी सासरे से आएगा, टड़के और हसली मेरा बापू देगा, ढेर सारा गहना कपड़ा पहनूंगी मैं। राखड़ी और बाजूबंद के आकर्षण ने पढ़ाई को कहीं पीछे ढकेल दिया था। काश मैं उसे समझा पाती कि सिर्फ गहने कपड़े के लालच में अपनी कच्ची उम्र को घुन मत लगा। अबोध कंधों पर गृहस्थी का भार और कच्चे नाजुक शरीर पर शारीरिक संबंधों का भार क्या उसका शरीर झेल पाएगा? मैंने आखिरी कोशिश की उसकी माँ को समझाने की, लेकिन वो नहीं मानी। स्कूल का ग्रीष्मावकाश शुरू हो गया था। तनु मनु ने ग्रीष्मकालीन हॉबी क्लासेस का शिविर ज्वाइन कर रखा था। वे वहाँ गई थी और अजय हफ्ते भर के टूर पर थे। घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर सामने सीमा खड़ी थी। 7-8 महीने की मरियल सी बच्ची उसके गोद में थी। पूरे 2 साल बाद मैं उसे देख रही थी। एक पल को मेरा मन खुशी से भर आया, अरे सीमा तू आ अंदर आ, पर दूसरे ही पल मेरे भूले बिसरे क्रोध में उफान आने लगा। हाँ तो ब्याह करके खूब गहने कपड़े मिल गए? गलती मेरी थी जो तुझे पढ़ाने में अपना टाइम बर्बाद किया। अरे 10वीं कर लेती तो तेरी कहीं नौकरी? रोने की आवाज़ सुनकर मैंने पलटकर देखा, वह दरवाजे पर पूर्ववत खड़ी थी और रो रही थी। मेरा मन ग्लानी से भर उठा कि शादी के बाद पहली बार वो मुझसे मिलने आई। ना उसके ससुराल के बारे में पूछा, ना बच्चे की खुशी जाहिर की, बस लगी डांटने। मैं उसे प्यार से अंदर लेकर आई पर वह तो फूट फूट कर और ज़ोर से रोने लगी। अब तक मैं समझ रही थी कि वह मेरे डांटने की वजह से रो रही है, लेकिन बात कुछ और थी। खूब रो चुकने के बाद सीमा ने जो बताया उसका सार यह था कि वह अपने आदमी को छोड़कर गर्भावस्था के पूरे दिनों में भाग आई थी, क्योंकि उसके आदमी के अपनी विधवा भौजाई के साथ गलत संबंध थे। थोड़ा तो सब्र करती पगली, क्या पता तेरा प्रेम उसे वापस तेरी तरफ खींच लेता। सौत तो मिट्टी की भी नहीं सही जाती, फिर वो तो जीती जागती रात दिन मेरे ही घर में मेरे सामने थी, मुझ पर हुक्म चलाता। मेरे बाप ने कोर्ट में अर्जी दी थी, मुझे तलाक भी मिल गया है, पर वह फिर फफक कर रो पड़ी। मेरी माँ मुझे नाते बिठाना चाहती है, मैं नाते नहीं बैठूंगी, मुझे बचा लो मैडम जी। यह नाते बिठाना क्या होता है? मैं राजस्थान की इस कुप्रथा से अनभिज्ञ थी। हमारी जात में चाहे लड़की कम उम्र की हो, छोड़ी हुई हो या विधवा, जो माँ बाप को ज़्यादा पैसा देता है वह लड़की को अपने घर बिठा लेता है, चाहे फिर उम्र में वह कितना ही बड़ा हो। मेरी माँ मुझे मेरी बाप की उम्र के 55 साल के बूढ़े के यहाँ बिठा रही है। वह मेरे माँ बाप को 20,000 रुपया दे रहा है। मेरी छोरी को भी वह बूढ़ा रखने को तैयार नहीं, उसे मेरी माँ रखेगी, मुझे बचा लो, कहकर वह बुरी तरह से सिसकने लगी। मैं देख रही थी समय और परिस्थितियों ने उसका बचपन छीन कर उसे एकदम परिपक्व बना दिया था। वह अब माँ थी जो अपनी बेटी को पालने के लिए जीवन से संघर्ष करना चाहती थी। मेरा मन द्रवित हो गया। मैंने पुनः नए सिरे से उसे पढ़ाने का बीड़ा उठाया और उससे 10वीं का फार्म भरवाया। सीमा ने भी कमर कस ली थी, उसने 2-3 घर का काम ही हाथ में लिया। आधी थुनका वह घर में देती, आधी मेरे पास जमा कर देती। मैंने अजय से पुलिस की धमकी भी उसकी माँ को दिला दी थी कि बिना सीमा की इच्छा के उसे कहीं जबरदस्ती भेजा या शादी की तो पुलिस में दे देंगे। अपनी लड़की को माँ को सौंप कर उसने इम्तिहान में दिल लगाकर मेहनत की और अच्छे नंबरों से पास हो गई। उसका रिजल्ट आने पर मैंने अपनी डॉक्टर मित्र को पत्र लिखा, मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी यदि किसी तरह तुम इस लड़की सीमा को नर्स की ट्रेनिंग करवा दो। अपनी एक जयपुर जा रही टीचर के साथ सीमा को मैं जयपुर की बस में बिठाकर आई। मेरे पास जो उसकी जमा राशि थी उसमें और पैसे डालकर उसे थमाए तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। मेरा मन भर आया। कुछ समय बाद डॉक्टर नंदिता का पत्र आया कि सीमा का एडमिशन विशेष आरक्षण कोटे में आसानी से हो गया है। लड़की बहुत मेहनती है और शीघ्र ही नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लेगी। मैंने चैन की सांस ली। कुछ महीने बाद ही मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया, फिर कभी सीमा से मिलना नहीं हो पाया। सालों गुजर गए और वह मेरे जीवन का भूला बिसरा प्रसंग हो गई। मेरे भी दोनों बच्चे सेटल्ड हो चुके थे, मैं और अजय अब जिम्मेदारियों से मुक्त थे। साल में एक बार हम घूमने निकल जाते। इस बार हमने उदयपुर का प्रोग्राम बनाया। रास्ते में सामने से आते हुए ट्रक से बचाने के लिए जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी, गाड़ी उलट गई। जब मुझे होश आया मैं हॉस्पिटल में थी। मेरी हालत सीरियस थी। मैंने अजय को सामने खड़ा पाया
और राहत की सांस ली। भगवान की कृपा से वे ठीक थे। डॉक्टर मुझे दर्द निवारक गोलियां और इंजेक्शन दे रहे थे। कभी जब मैं होश में आती तो देखती एक ममता भरा चेहरा मेरी सेवा में लगा है। कौन थी यह नर्स? कुछ कुछ जाना पहचाना सा चेहरा था। कहाँ देखा है इसे? मैं दिमाग पर जोर डालती, माना अस्पतालों में नर्स देखभाल करती हैं पर इतना कोई नहीं करता। उन आँखों में मेरे लिए कितना प्यार था। रात को आँख खुलने पर देखती मेरे पलंग से सटी कुर्सी पर अजय सो रहे हैं, मगर वह कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही है। मेरे हल्का सा कराने पर भी वह दौड़ कर आती थी। मुझे ठीक होने में महीने भर से ज़्यादा समय लग गया। आज छोटी दिवाली थी और अपना घर मुझे बेहद याद आ रहा था। डिस्चार्ज से पहले मैंने अजय से पूछा, अजय यह नर्स कौन है? बहुत सेवा की है उसने मेरी। उसने तुम्हारी बहुत सेवा की, इतनी कि शायद तुम्हारी तनु मनु भी नहीं कर पाती। पर क्या सच में तुम उसे नहीं पहचान पाई? नहीं अजय, चेहरा देखा हुआ लगता है पर कहाँ याद नहीं आ रहा। तभी नर्स आ गई। चलिए अब आपको मेरे घर चलना है, वहीं से खाना खाकर आप रात की बस से कोटा चली जाएंगी। मैंने तो सर से बहुत रिक्वेस्ट की कि 2-3 दिन मेरे घर रहकर हमें आपकी सेवा का सौभाग्य दें, पर सर कल त्यौहार पर घर पहुंच जाना चाहते हैं। हॉस्पिटल के आते में ही कुछ दूरी पर नर्सेज क्वार्टर बने हुए थे। मैं घर के द्वार पर ही रुक गई। जब तक तुम बताओगी नहीं कि तुम कौन हो, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। कितनी सेवा की है तुमने मेरी, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। आपने ही तो मुझे सेवा के योग्य बनाया है। आज जो कुछ हूँ आपकी वजह से ही हूँ। यह नर्स की यूनिफॉर्म, मेरी नौकरी, पढ़ाई, सारा श्रेय आपको ही जाता है। मैडम जी, मैं आपकी सिमली हूँ, सीमा। मेरा मन खुशी से भर गया। मैं उसे पहचानती भी कैसे? कल की किशोरी सीमा पूर्ण युवती थी, सलीके से बंधी साड़ी, आत्मविश्वास से भरी आवाज़, एक समरा हुआ व्यक्तित्व। सीमा के पति ने आगे बढ़कर मेरे और इनके पैर छुए और फिर आगे बोला, इतना सुना है आपके बारे में, रात दिन आपके ही गुण गाती है। सच मैडम जी, आपने इसे नया जीवन दिया है। सीमा की बेटी 12-13 साल की हो चुकी थी और अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। छोटा सा घर सुंदर सलीके से सजा रखा था। बहुत प्यार और मनोहार से उसने व उसके पति ने हमें खाना खिलाया। वह तनु मनु के बारे में पूछती रही। मैंने उसके पति को अपने घर का पता देते हुए कोटा आने का निमंत्रण दिया। एकांत पाकर मैंने उससे उसके विवाह परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया, सुनील मेरे पति मुझसे 3 साल सीनियर थे। इन्होंने भी मेल नर्स की ट्रेनिंग की है, मेरी नौकरी लगवाने में बहुत मदद की। सुनील ने मुझसे शादी की इच्छा जाहिर की और मुझे बच्ची के साथ अपनाने को तैयार हो गए और हमारा विवाह हो गया। और तेरे माँ बापू भाई राम सिंह, वो सब कैसे हैं? बापू तो कुछ साल पहले ख़त्म हो गया था। राम सिंह ब्याह करने के बाद इतना बदल गया कि 2 कमरों के घर पर कब्जा करके माँ को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरी नौकरी लग गई थी, मैं माँ को अपने पास ले आई। सुनील भी माँ की सेवा करते हैं। जो माँ बेटियों को बोझ मानती थी, अब आशीष देते नहीं थकती। छोटी कमली का ब्याह भी हमने कर दिया, अभी माँ उसी के यहाँ गई हुई है। चलते वक्त मैंने देखा उसकी किशोरी बेटी ने पूरा घर नन्हे दीपकों से सजा दिया है। देख सीमा, तेरी बेटी के सजाए नन्हे दियों से तेरा पूरा घर जगमगा रहा है। सीमा मुझसे लिपट गई, इन दियों की ज्योति तो 2 दिन के त्यौहार तक ही है, लेकिन जो आखिर की ज्योत आपने मेरे मन में, मेरे जीवन में जलाई है, उसकी ज्योति ने तो मेरे पूरे जीवन के अंधकार को दूर कर उजाला ही उजाला भर दिया है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल से पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों को सुनने का आनंद देती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों।